किसानों द्वारा खाद के लिए चल रही मारामारी अब कम होती दिख रही है। लंबे समय से चल रही खाद की किल्लत से अब राहत मिलने लगी है। सरकार की ओर से खाद स्टॉक बढ़ाए जाने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के बाद अब खाद की सप्लाई सुचारू हो रही है। लगातार सरकार और प्रशासन द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खाद दूसरे राज्यों में ना जाए, इसके लिए बकायदा टीमें बनाई गई है, जिसके बाद खाद की कालाबाजारी काफी हद तक रुकी है और अब किसानों को भी समय पर खाद मिलने लगी है। हालांकि सरसों की बिजाई लगभग हो चुकी है, गेहूं की बिजाई होना बाकी है। किसानों का कहना है कि और थोड़ा पहले समय पर खाद मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल किसान भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब कई खरीद केंद्रों पर खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। रेवाड़ी में 18 के करीब प्राइवेट और सरकारी केंद्र पर खाद की सप्लाई सुचारू करने के लिए खाद के रैक और स्टॉक पहुंचाए जा रहा है। रेवाड़ी के बालियाखुर्द गांव में भी खाद बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज किसानों को खाद वितरित की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदु संदीप कुमार की उपस्थिति में किसानों को खाद वितरण किया गया। बुधवार को आसपास के गांव के कई किसान को डीएपी खाद के एक कार्ट पर 2 कट्टे दिए गए। खाद बिक्री केंद्र के संचालक मुकेश यादव ने बताया कि अब खाद की किल्लत नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास अब पर्याप्त स्टॉक पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी रुक गई है, जिस कारण किसानों को आज करीब 200 किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाएगी और बाकी 500 कट्टे खाद का रैक शाम को आएगा, उसके बाद वह भी किसानों को कल वितरित की जाएगी। खाद लेने के लिए कोई परेशानी नहीं है, खाद लाइन से मिल रहा है, पुलिस का अरेंजमेंट है, एक आधार कार्ड पर 2 कट्टे मिल रहे हैं। भीड़ तो है ही, परेशानी तो लोगों को है, लेकिन कट्टे मिल रहे टन बाय टन। अभी 500 कट्टे आए हुए बता रहे हैं, 250 तक मिल जाएंगे। हम जी किसानों को बड़े अच्छे तरीके से मतलब खाद उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारी कोशिश है किसानों को जल्दी जल्दी खाद वितरित किया जाए, और बहुत मतलब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हम। मतलब भिवानी से भी और झज्जर से भी अपने खर्चे पे अपना किराया भर के यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं DAP, और हम लोगों को मतलब अच्छी तरह से वितरण कर रहे हैं बड़ी शांतिपूर्वक। हम चाहते हैं कि लोगों का काम जल्दी से जल्दी चल जाए। अभी अपने पास 500 कट्टे आए थे जी, हमने 100 टोकन बांट दिए, यानी कि 200 कट्टे वितरित कर दिए, 300 कट्टे अभी बाकी टोकन बांटने। तो हम आज लगभग किसानों को हम सारा खाद वितरित कर देंगे, और हमारी कोशिश ज़्यादा है कि अपनी रिश्तेदारियों में राजस्थान में खाद न भेजे और अपना ही काम चलाए, क्यों रिश्तेदारियों के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि राजस्थान में जो खाद जा रहा हमारी व्यवस्था उससे ख़राब हो रही है। हमारे यहाँ हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में तो खाद की किल्लत नहीं होनी थी, बट उससे राजस्थान की रिश्तेदारियों में जो खाद जा रहा है उसकी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दोबारा टोकन लेके आते हैं दोबारा वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदारियों में खाद जा रहा है राजस्थान में, इसकी वजह से ये व्यवस्था ख़राब हो रही है। तो इस पर है ना, दुकानदार कोशिश कर रहा है कि जान पहचान पता चल जाता है कि ये इसके पास कितनी ज़मीन है, तो इसके इतने इकट्ठे मिलने चाहिए, ना कि इससे फालतू। तो ये हमें थोड़ी परमिशन मिल जाए तो हम उस चीज़ को हम खुद अपने तरीके से वितरित कर दे सही तरीके से। तो ये कट्टे आधार कार्ड के हिसाब से, एक आधार कार्ड पे 2 कट्टे इश्यू कर रखे सरकार ने सर। और मतलब जो कोई किल्लत नहीं है DAP की, वैसे तो समस्या है राजस्थान की, उसमें ज़्यादा जा रहा है, तो उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, घर का हो जी बाहर का हो, तो रिश्तेदारियों में ना दे, क्यों हमारे यहाँ के किसान तो है ना जी परेशान पा रहे हैं, और हम भला दूसरा का साथ दे तो वो गलत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम संदीप यादव, ADO रेवाड़ी। हमारे इस सेल पॉइंट पे 500 बैग लगभग DAP पहुँच चुके हैं, और सभी फार्मरों को हम DAP उपलब्ध करवा रहे हैं, और लगभग जो हमारे पास फार्मर खड़े हैं उनको सभी को DAP उपलब्ध हो जाए। और हमारी लगभग सरसों की बिजाई कंप्लीट हो ही चुकी है, जिसमें हमें DAP की नीड थी, वो हमारे फार्मरों की कंप्लीट हो चुकी है, और कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना DAP की हमारे पास कोई कमी है। ब्लैक मार्केटिंग का तो कोई औचित्य ही नहीं बन रहा, हम आधार कार्ड से दे रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के जो फार्मर हैं उन्हीं को हम ये DAP प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक आधार कार्ड पे 2 दे रहे हैं। ऐसा है हमारे पास ऊपर से जो दिशा निर्देश है वो एक आधार कार्ड पे 2 है, फिर ये हो सकता है कि वो अपने फैमिली का मेंबर हो रहा थे तो वो अपने दूसरे आधार कार्ड पे
हमारे सुबह हम 8 बजे से टोकन वितरित कर रहे हैं। लगभग हमारा 100 फार्मरों को दे चुके हैं जी, और 101 फार्मर लगभग 200 कट्टे के लिए हम अपने टोकन वितरित कर चुके हैं। नहीं, ये हमारा निर्धारित होता है ऊपर से स्टॉक, जब हमारे सेल पॉइंट पे आता है उसके बाद हम वितरित करवाते हैं। हाँ, नियर बाई जो आसपास बालियर खुर्द के जो किसान हैं जिनको आसानी से जो यहाँ पहुँच सकते हैं वो पहुँच रहे हैं। बिल्कुल पीसफुल काम चल रहा है और ना किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है। मैं सरपंच सूर्य, हमारे गांव बालियर खुर्द में आज सेल पॉइंट पर बैठे हैं और जी न्यूज वाले भी आ गए, राजेश शर्मा जी। वो हमारे यहाँ ना पहले जितनी भीड़ भाड़ रहती थी वो भीड़ नहीं है, और आज तो आराम से वितरित हो रहा है खाद। पर किसान को एक आधार कार्ड पे 2 कट्टे वितरित कर रहे हैं, और पहले मारामारी थी, अब बिल्कुल सही ढंग से वितरित हो रहा है। प्रशासन, सदर SHO और उनका स्टाफ और इफ्को केंद्र से भी आए हुए सरकारी कर्मचारी, और उनकी देख रेख में शुरू कराया था। मैं भी वहीं पे था जब शुरू किया था, और टोकन सिस्टम करके बढ़िया तरीके से लाइन लगा के और आराम से मिल रहा है। अब पहले की बजाय जमींदारों को परेशान होने की बात भी नहीं रहेगी। 500 बैग आए, 500 बांटेंगे, और भी सेल पॉइंट मुकेश कुमार है हमारे गांव का, जो इसका दुकान का मालिक है, वो कह रहा है जी और 500 कट्टे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी जमींदारों को। और सबसे बढ़िया बात यह है, कल DC साहब ने मीटिंग में कहा कि भाई वो नाके लगवा दिए रेवाड़ी के चारों तरफ, राजस्थान में खाद ना जाए, उससे और राहत मिलेगी हमें सभी को, राहत मिलेगी जमींदारों को। बाहर माल नहीं जाएगा तो आराम से मिल जाएगा, और अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सरकार का सबका सहयोग है और मारामारी का मामला खत्म हो गया, वो ब्लैक मार्केटिंग तो खत्म हो गई। अब ये नहीं भाई राजस्थान में भेज दिए, गाड़ियों में डाल लेंगे, ट्रैक्टरों में डाल लेंगे, वो तो मना कर दिया सरकार ने, कानून के हिसाब से वो कर दिया, नाके लगा दिए। उसमें बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, वो बात नहीं है कि भाई मारामारी नहीं रही, और जमींदारों ने कुछ राहत यूँ मिलेगी, कुछ सरसों बो भी दी आगे। अब गेहूँ के लिए ही ले रहे हैं ज़्यादातर तो खाद, सरसों तो अब हरियाणा में तकरीबन बिजाई हो गई है, लेकिन अब वो मारामारी नहीं है खाद के लिए। भाई पहले लाइन लगती थी, कुछ शरारती तत्व तो है जो अफवाह फैलाते हैं, वो बात नहीं है। अब तो आराम से और सही ढंग से सबको मिलता है। पहले लेडीजों को लाइन में लगाते थे, पैसे दे दे के खड़ी कर देते थे, वो भी बात नहीं है। अब जेंट्स हैं और जिनको ज़रूरत है वही लाइन में लगते हैं, वो नहीं है कि भाई मैं भी लग जाऊँ, तू भी लग जा, परिवार के 10-10 सदस्य लगा दिए, 20 कट्टे ले लिए और ब्लैक कर दिए, वो सिस्टम नहीं रहा। अब आराम से सुचारू रूप से हमारे सेल पॉइंट पर तो कोई दिक्कत नहीं जी किसी तरीके की, और बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से मैं खाद बट रहा है, कोई परेशानी नहीं, और संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट है, हमारे आसपास वाले भी और गाँव भी संतुष्ट है।